गुजरात चुनाव में बीजेपी के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए बेकरार है। ऐसे में पीएम मोदी और राहुल गांधी लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। गुजरात की तारीखों के पास आने के साथ ही गुजरात में राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। एक और प्रधानमंत्री मोदी ने तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों नेता एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले कर रहे हैं। क्षय और मात के इस खेल में दोनों नेता एक दूसरे को मात देने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। अहमदाबाद के मोराबी में मोदी ने इंदिरा गांधी के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा और अपने को गुजरात की जनता से जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बहाने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को यहाँ की सड़कों से दुर्गंध आती है, जबकि हमें सुगंध आती है। अपनी बात के समर्थन में प्रधानमंत्री ने इतिहास का सहारा लिया। मोदी ने एक पत्रिका में छपी तस्वीर का उल्लेख करते हुए कहा कि एक बार इंदिरा बेन मोराबी आई थी तो यहाँ पर बदबू से परेशान हो गई और मुंह पर रुमाल रख लिया था। तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए बीजेपी को घेरा और इसके लिए वो बीजेपी को वादों की याद दिला रहे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी को 50 लाख नए घर बनाने के वादे को याद दिलाया। राहुल ने ट्वीट करके लिखा कि 2012 में वादा किया था कि 50 लाख नए घर देंगे, 5 साल में बनाए 4.72 लाख घर। प्रधानमंत्री जी बताइए कि क्या वादे पूरे होने में 45 साल और लगेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने यह रणनीति अपनाई है कि गुजरात में चुनाव के आखिर तक राहुल गांधी रोज प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछेंगे। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि लगातार हमला करके बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए, इसलिए सीधा हमला सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पे किए जा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। ऐसे में दोनों दलों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की चुनौती है। दल इस चुनौती में कहां तक सफल होंगे ये दोनों दलों की रणनीति पर निर्भर रहेगा।